है। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत आपका प्यार, आपकी तशरीफ लाने का शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीफ शो में आप जैसे ही शरीफों की ज़रूरत है। शरीफ लोग बैठे हों तो माहौल ही कुछ और हो जाता है, शरीफाना माहौल। लेकिन आज के माहौल में जो मौजू मेरे जहन में है, जिस पर हमने बात करनी है, वो ये है कि इस मौजूदा दौर में औरत मजलूम है या मर्द मजलूम है। हमारी सोसाइटी में ये फैसला ही नहीं हो सका। टेलीविज़न देखो तो मीरा मजलूम लगती है, खबरें देखो तो उसका मियाँ मजलूम लगता है। एक अजीब सी कशमकश है, जहन उलझा हुआ है, क्योंकि औरतें जो है ना, ये हकीकत बात है, इनको मुतमईन करना बहुत मुश्किल काम है। सोना ला के दे दो तो वो हीरे मांगती हैं, हीरे ले आओ तो कहती हैं और ले आओ, और हीरे ले आओ तो फिर जाहिर है फिर उन हीरों के पीछे डाकू भी आ जाते हैं। तो एक मुश्किलात है, इनको मुतमईन नहीं किया जा सकता। हमारे मोहल्ले में खातून 10 बच्चे, फिर भी रोती रहती, बहन सच्चा प्यार नहीं मिला। तो जब हम इस बात पर आते हैं तो हमें लगता है कि इंसान जो है वो कभी मुतमईन हो ही नहीं सकता, वो औरत हो या मर्द हो। लेकिन इस पर बात की जा सकती है, इस मसले के ऊपर हम ये सोच सकते हैं कि इसमें वाकई में अगर कोई मजलूमियत है तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं, और अगर है, है? अच्छा अच्छा ओके, खुदा हाफिज़। ये मेरे पास से गुजरता मैं हमेशा डाल देता हूँ कि ये कौन आया, क्योंकि आजकल पता नहीं है कौन आ जाए। हालात इतने ख़राब है ना, कोई भीख मांगने वाला भी आ जाए ना गाड़ी में और उसका हाथ आए तो लगता है ये टेलीफोन मांग लेगा या पैसे मांग लेगा, इसलिए बंदा डरा हुआ है। तो मैं तो अब आजकल जेब में पैसे रख के चलता ही नहीं हूँ। पैसे ना रखो, कसम खा लो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन ये कसमें आप घर में लाख खाएं, बताएं बीवी को मेरे पास पैसे नहीं है, उनका अपना एक हिसाब किताब है, वो रहना चाहिए और फ़र्ज़ भी है हमारा कि हम उसको पूरा करें। मगर सवाल ये पैदा होता है कि कहाँ कौन गलत है। ये मौजू लेकर के हम आज चलेंगे, हमारे जो मेहमान हैं उन्हें शरीक गुफ्तगू करेंगे। लेकिन हसब मामूल हम शुरू करने से पहले एक ब्रेक पे हम बहुत ज़रूरी जाएंगे, हमें बड़े कस के ब्रेक लगाना है, और एक ब्रेक लगा के हम बड़ा शॉर्ट ब्रेक में वापस आते हैं, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। इस प्रोग्राम का जैसा कि आपको कॉन्सेप्ट पता है कि हम यहाँ सच बोलते हैं बैठ करके, और इस कुर्सी पे आज हम दिल से बात करते हैं। हम कोई वो बात नहीं करते जो बनावट होती है, ना हम छुपा के बात करते हैं, हम सीधी सच्ची खरी बात करते हैं। ये सच की कुर्सी है, इस पे जब बैठना है तो आपने सच बोलना है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है, पूरे प्रोग्राम में यही रहता है, आप देखते रहे। अब जिस पहले मेहमान को मैं बुलाने लगा, इनके बारे में ये बता दूं कि ख्वातीन की फलाह व बहबूद के लिए इन्होंने इतना काम किया है कि फेडरल मिनिस्टर भी रही है, उसके बाद ये कल्चर टूरिज्म की मिनिस्टर रही, अब आजकल जो है सेनेट में जो कायम कमेटी है उसकी चेयरपर्सन है, और कल्चर एंड अपना टूरिज्म में। तो इन्होंने क्या क्या काम किए हैं, हम इनके सामने बैठ के बात करेंगे इन्होंने क्या क्या किया है। मगर इन्होंने जो भी किया है कमाल किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़ा नाम है हमारी पाकिस्तान की सियासत और सोशल वर्कर्स जो होते हैं, ये लोग जो सोचते हैं लोगों के लिए, और ख़ास करके इन्होंने ख़वातीन के लिए बहुत काम किया। आपकी भरपूर तालियां हमारे पहले मेहमान मोहतरमा नीलोफर बख्तिया। आपको बहुत बहुत मैं खुश आमदीद कहता हूँ अपने शो में। थैंक यू। ये शरीफ शो है इसलिए हमने आपका इंतखाब किया कि हम उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनके साथ शराफत चल रही होती है, या जो शराफत से चले होते हैं, या इनकी ज़िंदगी जो है ना
इतनी खिदमत में गुजरी होती है लोगों की, तो जब वो लिस्ट बनती हैं तो उसमें आप जैसी शख्सियत को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने इतना काम किया है लोगों के लिए, इंसानों के लिए बहुत काम किया आपने। इंसानों में मर्द भी आ जाते हैं, औरतें भी आ जाती हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं। 2 मरतबा आप मिनिस्टर रहीं, टूरिज्म और कल्चर मिनिस्टर रहीं, और पहली फिर आप रहीं वोमेन और सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर में ख्वातीन की फलाह बहबूद के लिए आपने बहुत काम किया। ये आपको टच क्यों महसूस हुआ कि औरतें जो हैं वो इतनी मजलूम हैं कि आपको उनके लिए काम करना चाहिए? देखिए, हमारे माशरे में हर तरफ ये मजलूमियत नज़र आती है। किसी भी आप सतह पे देख लें, कोई भी फील्ड हो औरतों की, चाहे वो एयरलाइंस हो, ट्रैवल एजेंसीज हो, होटल इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, गवर्नमेंट में हो, कैबिनेट में मैंने देखा डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा जी, और पॉलिटिकल पार्टीज में बहुत डिस्क्रिमिनेशन है औरतों के लिए। इस पे बोली है कैबिनेट में? बोली, और फिर आपको पता है ये जो ख्वातीन की 33% नशिस्तें हमने असेंबलियों में बहाल की, इसमें मेरी काफ़ी कंट्रीब्यूशन थी, क्योंकि उस वक्त मैं सदर थी शोभा ख्वातीन पाकिस्तान मुस्लिम लीग की, काफ लीग जी, काफ लीग की, और सदर जनरल मुशर्रफ के साथ बैठ के और सिविल सोसाइटी के मेम्बरान के साथ सलाह मशवरे के बाद हमने ये ख्वातीन की नशिस्तें जो बनाई, फिर काबीना में भी हमने ख्वातीन को लिया, फिर एयरफोर्स में पायलट्स की शमूलियत, फिर आर्मी में, फिर काफी सारी अचीवमेंट्स हैं। अब हमारी तमाम फोर्सेस में खवातीन हैं, हमारी तमाम फोर्सेस में हैं जी। ये वैसे हमला नहीं करेंगी, ये अगर इनके हाथ में बम आ जाए औरतों के, सोचो ये फेंकेंगी कितनी ताकत से, क्योंकि इनको पता होगा कि नीचे मर्द भी हैं। इनके जहन में यही बात होगी जो एयरफोर्स में होंगी कि जी दुश्मन तो हैं, वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन हैं मर्द ही है। तो इन्होंने बम भी बड़े जोर से मारना है और बड़े कस के इन्होंने सोच के मारना है कि यार इस एरिया में औरतें कम से कम हैं। अच्छा, एक बात जो आपके बारे में सबसे अच्छी मुझे, आप मुझे बताएं, आपको औरतें ही मजलूम लगी? आपने औरतों के पुलिस स्टेशन पहले मतलब आपने काम किए थे वो? पुलिस स्टेशन जी बने तो पहले बेनज़ीर साहिबा के दौर में थे, लेकिन जब मैं ख़वातीन की वज़ीर बनी तो मैंने देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब थी। कहीं बकरियाँ बंधी हुई थी थाने में, कहीं स्टोरेज था, ख़वातीन के पुलिस स्टेशन के पास कोई इख्तियारात नहीं थे। ख़वातीन की बकरियाँ होंगी ना वो? तो बकरियाँ किसकी थी थाने में जब ख़वातीन हैं सारी काम कर रही हैं पुलिस? बात ये नहीं है, बात यह है कि आज तक हमारे मुल्क में जब भी ख़वातीन के लिए काम होता है वो सिर्फ नाम के लिए होता है, तशहीर के लिए होता है। सॉरी, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ जी। हम सब दुनिया का हर आदमी जो चांद पे गया, वो जो चांद पे नहीं गए जमीन पे ख्वार हो रहे हैं, वो सब ख्वातीन के लिए तो काम कर रहे होते हैं। वो ख्वातीन कभी माँ की शक्ल में होती है, कभी वो बहन की शक्ल में होती है, कभी बीवी की शक्ल में होती है, कभी वो बेटी की शक्ल में होती है, लेकिन होती वो हर शक्ल में औरत ही है। और फिर भी उसकी इज्जत करना मर्द ने नहीं सीखा, ये अफसोसनाक बात। और मतलब आपने कहा कि वो बम गिराती है, मैं ये कहती हूँ कि जितना अमन, दोस्ती और मोहब्बत का पैगाम औरत दे सकती है, अगर दुनिया में अक्वामे मुत्तहिदा का सेक्रेटरी जनरल एक औरत को बना दिया जाए, अगर हिंदुस्तान की और पाकिस्तान की पीस टॉक्स ख्वातीन के हवाले कर दी जाए, तो आपको ये जंग और ये तबाही कभी नजर ना आए। औरतें अगर बात करेंगी इस मसले पे तो ये तो सालों लगा देंगी सिर्फ बातचीत में ही। नहीं, औरत जो होती है ना जी, औरत में दिल बहुत बड़ा होता है। अल्लाह ताला ने उसको, देखने में आप उसको कहते हैं सिन्फ नाजुक, लेकिन औरत जब जन्म दे लेती है ना तो वो एक बहुत बहादुर खातून बन जाती है। और उसके बाद वो औरत जो है जितने बड़े बड़े काम कर सकती है मर्द नहीं कर सकता। अच्छा, ये मेरा दावा है, चैलेंज है। चैलेंज है कि जो औरतें कर सकती हैं वो मर्द नहीं कर सकते, आपका चैलेंज ये है जी। तो इसका मतलब फिर तो औरतें होनी चाहिए मुल्क में, मर्द होने नहीं चाहिए? नहीं, सारे मर्दों को बाहर निकाल देना चाहिए। नहीं, मैं कहती हूँ इक्का दुक्का रहे आप जैसे, एक दो चार रहे मर्द, दो चार मर्दों पर ज्यादा जरा औरतें हों, और ज्यादा औरतें हैं दुनिया में। देखिए, हाफ एंड हाफ पॉपुलेशन हमारी है इस मुल्क में, तो आप हर मैदान में हमें फारग कर देते। नहीं, औरतें इसलिए ज्यादा हैं कि ये मर्द ही कम है ना। आप खुद आप तो जलजले में काम करती रही हैं जी, 2 महीने 17 दिन के बाद एक औरत अंदर से जिंदा निकल आई थी, आपको पता है? करते तो मैंने यही कहा ना कि डिटर्मिनेशन और जो इरादे की पुख्तगी है वो औरत की ज्यादा, मान ले। नहीं नहीं, मैंने माना है, मान लिया, मैंने माना, मान गए भाई, मान गए, मैंने मान, मैं मान। अच्छा, ये तो एक आपकी जो मिनिस्ट्रीज में आप रही हैं वो तो एक मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है, उससे हटकर एक खातून
की हैसियत से आपने बहुत काम किया है ख्वातीन के लिए, मज़लूम औरतों के लिए, विलेजेस में गई हैं, ऐसे इलाकों में गई जहाँ पे मैंने खुद देखी आपकी फुटेज देखी है, आपको काम करते हुए वैसे भी मैंने देखा। लेकिन आप ये बताइए कि मैंने आपको एक लाइन्स क्लब की एक मीटिंग में एक प्रोग्राम में देखा था, वहाँ पे आप किस हैसियत में वो कर रही थी? देखिए, लायंस क्लब में मैं इंटरनेशनल डायरेक्टर मुंतखब हुई थी और इस पे मुझे फ़ख्र है क्योंकि मैं दुनिया की पहली खातून थी जो लायंस क्लब की 80 साल ज़िंदगी में इंतखाब हुई थी। तो मुश्किल इसलिए था कि एक तो इस्लामी ममलिकत से एक अमरीकन अदारे में मुंतखब होना, इलेक्शन भी मेरा अमेरिका में था, अमेरिका में इलेक्शन जीतना बहुत प्रॉब्लम है जी। ओबामा को अजीब से हो गया जीतने के बाद, इतनी मेहनत करनी पड़ी, ओबामा साहब को अजीब से हो गया लगा है। मेरे जमाने में ओबामा नहीं थे, आपके जमाने में कौन थे? भाई बुश। भाई बुश थे ना आपके जमाने। तो मगर ये है कि उसके उस इलेक्शन के जीतने के बाद फिर अमरीकन खवातीन भी बोर्ड पे अब आई हैं और यूरोपियन भी आई हैं, तो वो ये लीड के लिए आपका फोकस रहा है हमेशा जी। आप कहती हैं कि ख्वातीन के बड़े मजलूम हैं, आपको कभी मर्द नहीं? मजलूम नहीं है, मजलूम नहीं है, मजलूम नहीं है, बिल्कुल मजलूम ना कहें, बिल्कुल जालिम है, फिर इसका मतलब ना हम जालिम हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें अपनी हैसियत में आप रिकॉग्नाइज करें। तो वो तो आपकी हैसियत में करते हैं। नहीं, आपको कभी किसी ने शबीर साहब कह के बुलाया? सोचे ना, अच्छा सुने, मर्दों ने एक तरीका अख्तियार किया हुआ, या तो इतना इज्जत कि उसके ऊपर रुतबे पे ले आते हैं कि हमें ताक में उठा के रख देते हैं जी, और या बिल्कुल बेइज्जत करके पाँव की जूती बना लेते हैं। हमें ना ज़्यादा इज्जत चाहिए, अच्छा, ना ज़्यादा जिल्लत चाहिए, हमें बराबरी चाहिए, हमें हमारी हैसियत में रिकग्नाइज करें, एक्सेप्ट करें, हमारे मेरिट की बुनियाद पर, हमारी मेहनत की बुनियाद पर अपने शाना बशाना खड़े होने का मौका दें। मैंने तो हमेशा ये मौके दिए हैं हर एक को, शाना बशाना भी चले हैं, लेकिन मैं जो बात आपसे कहना चाहूँगा कि आपको औरतों में तो ये देख रही हैं आप ये बातें, आपको 27, 28, 29 जो महीने की आखिरी तारीखें हैं उस महीने में मर्द मजलूम नहीं लगता? ऐसा पहली तारीख से पहले पहले 3 दिन पहले वो मर्द नज़रों में लाएँ कि 28 आ रही है और उसको सारे बिल देने हैं, बिजली के, बिजली का बिल तो ऐसा बिल हो गया, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह तौबा, सब मैं कह नहीं सकता कि जिन जो अपने घरों में बिजली जला रहे हैं समझ लें वो अपना खून जला रहे हैं बिजली के साथ, और बिजली वाले फिर भी बिजली नहीं जला रहे। मैं तो अपने हर प्रोग्राम में राजा परवेज अशरफ साहब को सल्यूट करता हूँ कि उनकी वजह से कम अब जो है ना एयर कंडीशन नहीं चल रहा है, पंखे नहीं चल रहे। मैं तो राजा साहब अपना पंखा नीचे बैठ के ना बांस से चलाता रहता हूँ। तो चलो यार चल तो रहा है। आपकी वजह से पुराना जो हमारा ट्रेडिशनल है, मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब हूँ राजा साहब, कि आपकी वजह से हमारा कल्चर वापस आ गया और हम हाथ वाले पंखों पे आ गए। वो पंखे जो पहले कबाबों की दुकान पे चले गए थे वो फिर हमारे घरों में आ गए हैं और हमें फिर हीर याद आने लगी मुझे उन पंखों से, चलांगी पक्षियाँ माही आवेगा ते फुरनल तरती सजावांगा। अच्छा, ये हीर भी एक औरत थी जी, इसका भी हौसला था, इन्होंने भी बड़ा पक्का इरादा किया कि रांझे के साथ ही मरना है, रांझे को लेके मरी, वो इरादे की पुख्ता थी इरादे की, ये बात है, और बड़ी बड़ा सच्चा इश्क था उनका जी। और सोनी को देखें आप, उसकी दिलेरी मैं समझता हूँ, उसने मटके को पता नहीं गाड़ी समझ लिया था, उसी को चली जाती थी कच्चे घड़े के ऊपर दरिया पार करने वाली, वो भी एक औरत थी। बहर मैं इस अजमत को तो समझता हूँ कि यार ये होता है, लेकिन आप मुझे बताइए, आप तो सबसे ज़्यादा दिलेर औरत साबित हुई, आप मेरे ख्याल पहली खातून हैं पाकिस्तान में शायद मेरे नज़र में जिन्होंने एक सियासत में एक सियासी पार्टी के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, लेकिन उसमें मर्दों का एक ताउन था आपके साथ। नहीं, ये तो मैं समझती हूँ कि बगैर मर्दों के हम अकेले नहीं चलना चाहते। नहीं, आप अकेले कैसे चलेंगी? मुझे नहीं चलना भी नहीं है, आज मैं जो कुछ हूँ मैं अपने वालिद और अपने शौहर की वजह से हूँ। अच्छा, एक बार ये क्या पार्टी में ऐसे हो जाते हैं, मैंने एक बार देख, आपने एक पैराशूट से जंप किया, जब आप पैराशूट से नीचे आ रही थी तो आप मिनिस्टर थी, जैसे ही आपके पैर जमीन पे लगे तो बेड़ा ही गर्क होकर रह गया, सब कुछ तबाह हो गया। वो क्या हुआ था, क्या आप
मतलब कहाँ उतर गई थी आप? मैंने 12,000 फुट से जहाज से छलांग मारी थी। तो 12,000 फुट से, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट है और बहुत डिफिकल्ट है। उसमें तो वो जो टीएम थे, ब्रिगेडियर थे ना, जो जिन्होंने फ्री फॉल किया था और जो नीचे उनका पैराशूट नहीं खुला था, जिससे उनकी शहादत भी हो गई थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसी फ्री फॉल की बात कर रही हैं। ये वो फ्री फॉल थी जी। और फिर मेरी उम्र में, और फिर मैं ब्लड प्रेशर की मरीज भी हूँ, तो मैंने कैसा लगा आपको जब आप 12,000 से गिरी? शुरू में तो सांस वांस रुक जाता है, बहुत सख्त डर लगता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर बड़ा ही मजा आता है, क्योंकि फिर तो लगता है ना कि, और वो इंस्ट्रक्शंस पीछे से दे रहे होते, तो वो कहते हैं कि फील दैट यू आर अ बर्ड, और फिर मुझे लगा कि बिल्कुल मैं उड़ रही हूँ। और उस वक्त मेरी वालदा की नई नई डेथ हुई भी थी, तो मुझे ऐसे लगा, आप यकीन मानिए, मैं हर दफा ये बात कहती हूँ, लोग समझते होंगे मैं कोई ड्रामाई सिचुएशन पेश कर रही हूँ, मगर मैं लोगों को समझाना चाहती हूँ कि जब आप आसमान के नज़दीक जाते हैं ना, तो आप उन लोगों के नज़दीक हो जाते हैं, कुदरत के, अल्लाह के, और वो लोग जो आपसे बहुत नज़दीक हो, जैसे मेरी माँ थी, कुदरत के नज़दीक, वो मुझे लग रहा था कि मेरे साथ रो रही हैं, तो मुझे कोई डर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। ये तो आपकी फीलिंग्स है ना जी, कि कुदरत के करीब हो जाता है आदमी बुलंदी पे जाके, वरना तो PIA भी कुदरत के करीब हो जाए, रहम करके किराए कम कर दे खुदा के वास्ते। आपका ये कमाल है कि आप किसी को एक मिनट सीरियस होके दुखी नहीं होने देते, हंसा देते। मैं दुनिया में आया इसीलिए हूँ कि दुख नहीं होना, आंखों से आंसुओं को चुरा लेना है, और हम आपकी आंखों से आंसू चुराते रहेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपसे एक, आपका एक लम्हा चुरा रहे हैं, और वो भी एक छोटे से ब्रेक के लिए। वापस आते हैं ब्रेक के बाद, और फिर दोबारा गुफ्तगू शुरू करते हैं अपने मेहमान से। थैंक यू। वेलकम बैक। आपकी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं, और रात हमारे साथ तशरीफ फरमाए हैं मोहतरमा नीलोफर बख्तियार। आपका स्टाइल गुफ्तगू का, एक लीडरशिप आप में नजर आती है, और आप कन्विंस बहुत अच्छा कर लेती हैं। अभी आपने मुझसे मनवा लिया कि हाँ, औरतें मजलूम हैं, मैं कभी जिंदगी में नहीं माना। मेरी नज़र में माहिवाल आ जाता है फौरन, जिसके कबाब खा गई थी वो सोनी। वो बताओ, वो कौन मजलूम था उस केस के अंदर? यानी सोनी को उसने अपने टांग के कबाब बना के खिला दी, वो खा गई, तो वो तो आदम खोर टाइप की हो गई थी उस वक्त, तो वो आपको उस वक्त वो माहिवाल मजलूम नहीं लगा? मगर बड़े बदमजा होंगे वो कबाब, सोचें पता नहीं कैसे खाए। ये बात नहीं, इसमें आप ये ना बोलेंगे कबाब बदमजा है, ये बोलें कि सोनी का कोई टेस्ट नहीं था। आपने बुराई औरत की निकालनी है तो निकाल लें। देखिए, हम सब एक दूसरे के लिए ज़रूरी हैं, औरत मर्द, ये बात नहीं। बात आप राइट्स की जब करती हैं, वो बिल्कुल ठीक होती है कि भाई हकूक मिलने चाहिए औरतों को, बिल्कुल सही बात है, हर एक को मिलने चाहिए, मर्दों को मिलने चाहिए, औरतों को भी। आपने बड़ा हकूक के लिए काम किया। मुख्तारामाई के केस में भी आप थी आएँ। मुख्तारामाई ने एक बार, एक क्लिप मैं आपको मुख्तारामाई का दिखाना चाहता हूँ, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ आपसे, ज़रा क्लिप चलाएं मुख्तारामाई का। चलने फिरने पर, आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं है। जो लोग ये तासुर दे रहे हैं कि मुख्तारामाई को शहर में बाहर निकलने से पाबंदी है, वो बिल्कुल गलत तासुर है। ना हम ये चाहते हैं कि ये अपने आप को ये फील करें कि ये खुदा न खास्ता ज़ेर हिरासत है। हाँ, ये पाबंदी इनके ऊपर ज़रूर है कि इनको एस्कॉर्ट अपने साथ रखनी पड़ेगी, वो इनके तहफ़ के लिए। आपने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में परसों ही कि आपको घर पे नज़रबंद किया गया है, तो ये सही है, हकीकत है, इनमें कोई झूठ नहीं है। तो अब आपको, अब जब वापस जाएंगी तो आपको गवर्नमेंट ने कोई एश्योरेंस दिलाई है कि आपको नज़रबंद नहीं किया जाएगा? वो कह रही है कि जी मुझे ये पाबंदी मेरे पे थी, और आपके सामने उन्होंने बोला, और मीडिया में बोल रही है वो। तो आप जब ये बात कर रही है कि जी हमने उसको तहफ़ दे रहे हैं, हमने ये किया, हम औरत के लिए बात कर रहे हैं, फलत, ये औरत क्या कह रही है, ये क्या तजाद क्या है? असल में हुआ ये था कि मैं इस बात को तस्लीम करती हूँ कि उस वक्त हमारी हुकूमत से ये गलती हुई कि इनको हमने उस लिस्ट पे डाल दिया कि जो लोग बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकते। चले, ये बात तो सही, आपने बहुत सच, और मैं बहुत अच्छा सच बोला आपने, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इस बात को फिर जब मुझे पता लगा, तो फिर मैंने ख़ुद मुख्तारामाई को इस्लामाबाद बुलवाया, और जो कुछ गवर्नमेंट से निगोशिएट हो सकता था उनको समझाया कि जो तंजीम उनको वहाँ बुला रही थी वो मुल्क का इमेज खराब करने की कोशिश कर रही है। वो बताना चाहते हैं पाकिस्तानी औरत के साथ ये हो रहा है, पाकिस्तान में औरत का ये मुकाम है, वो एक तस्दीक थी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी, और आपने उसके अंदर वो स्मेल कर लिया
जो उसके अंदर उनका इरादा था। जी, मगर उनको ये गवर्नमेंट को भी ये समझाया, इंटीरियर मिनिस्ट्री को, कि ये तरीका नहीं है, क्योंकि उससे पहले मुख्तारा माई हिंदुस्तान जा चुकी थी, जर्मनी बहुत जगह ट्रैवल कर चुकी थी, और मुख्तारा माई को जब मैंने ये समझाया कि ये मुल्क के खिलाफ है, तो उन्होंने खुद कहा कि बीबी मैं नहीं जाऊंगी। तो उसके बाद हमने उनको अवार्ड भी दिया, हमारे साथ मुख्तारा माई क्राइसिस सेंटर मैंने वहाँ बनवाया, एक पुलिस चौकी वहाँ उनके घर के आगे बनवाई, उनकी सारी सिक्योरिटी सेफ्टी का बंदोबस्त सब हमारी वजारत किया करती थी, उनका केस जो लड़े थे अदालतों में उसकी फीस हमारी वजारत पे कर रही थी। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ वो पोर्शन जो उनको वहाँ पे बाहर सफर करने से रोका इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, वो बात आज तक हमारे पे एक धब्बा लग गया। जी, हालांकि आपने तो उनको इतना सेव किया, बल्कि जो फेम मिली मेरे ख्याल उसी से उससे टेक ऑफ असाइलम मिला है वहाँ पे, और उसी वजह से वो आज बाहर के मुल्क में रहती, पाकिस्तान नहीं, नहीं वो पाकिस्तान में है। अच्छा, उनको उनको उसी तरह से वो सलाम है। जी बिल्कुल, बल्कि जब मेरा ये पैरा जंप वाला वाकया हुआ तो मुख्तारा बीबी ने मुझे फोन किया के, और उन्होंने अपनी मां जी मैं कूद जाती आपकी जगह नहीं, उन्होंने ये कहा कि मुझे बहुत अफसोस है कि आपके साथ ये ज्यादती हुई है, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि आज मैं मजलूम हूँ और वो मेरी क्या मदद बात है, यानी उसने लगा कि आज वो खातून क्राइसिस में आई है जो मुझे निकाल के लाई थी बड़ी उसमें से। देखिए ये भी एक फीलिंग सी बात, बहुत बड़ी बात है, मैं इसकी कदर करता हूं। बड़ा एक है, खुदा कहता है मर्दों में नहीं है, मर्दों को कोड़े मारो डंडे मारो कोई मर्द नहीं बोलेगा, बल्कि बोलेगा मारो अरे पाजी मारो मारो अल्लाह। औरत को योगंडा में तलाक हो या कराची में औरतें अफसोस करती है, बहन बड़े जाने में ये मार खुदा। ये आप लोगों में बड़ा एक है, ये मैंने देखा, ये तो आप इसको छुड़वाने की कोशिश ना करें। नहीं नहीं ना करें, मैं नहीं कर रहा, मैं तो खुदा मैं औरतों की बुराई नहीं कर रहा, मैं ना मैंने कभी की है जिंदगी में, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ कि आप इतना काम करके भी एक धब्बा लग गया तो अफसोस होता है। मैं समझती हूँ जी कि इन चीज़ों पर अफसोस नहीं करना चाहिए, इन चीज़ों से हमें सबक हासिल होता है, जब हम इतने बड़े बड़े काम करने चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई गलती भी तो हमसे होती है। तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ ऐसे बातों से आप अपने इरादों से पीछे तो नहीं? बिल्कुल नहीं, और आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो उसकी अच्छाइयों में तो आप फख्र महसूस करते हैं, तमगे लगाते हैं, तो अगर उस हुकूमत से कोई गलती होती है तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए आवाम के सामने। मतलब अगर आपकी तरह की बात करके लोग बोल्डली इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि हाँ भाई वो मेरी मिस्टेक थी, गलती थी, हमसे हो गया, हम भी आखिर इंसान हैं, गवर्नमेंट एक इंसानों पे बनी होती है। बिल्कुल जी, कोई स्टील किया कोई सीमेंट किया, रोबोट तो नहीं होते कि उनसे मिस्टेक नहीं होती जी। अब तो रोबोट भी नहीं चल सकते पाकिस्तान में राजा परवेज साहब की मेहरबानी से, उनसे आप बहुत खफा लग रहे हैं। लग रहा हूँ कि पाकिस्तान में लोग जो है ना, देखिए हमारी बुनियादी जरूरतें हैं, आटा चीनी पेट्रोल बिजली, ये हमारे पास नहीं है। लेकिन आपने एक बात नोट की कि कौम भी बड़ी बेहिस हो गई है, आपने ये महसूस किया है? सियासी जमातें तो बेहिस हैं ही, नॉन इश्यूज पे गुफ्तगू कर रही हैं, इश्यूज ये हैं भाई, हमें हम कब अपनी बिजली बनाएंगे, इतने साल हो गए हमारे पास बिजली नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त, हमें ये बनाना चाहिए था। हाँ, हम बिजली नहीं बना पाए आज तक, कसम से मेरे मोहल्ले में एक घर पे बिजली गिरी, उनको उसका भी बिल आ गया तो ये जब हम इतनी बातें इतने बिल देते, आपका इस सनत से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक औरत होने के नाते आपको पता है जब एक बजट बनता है घर का तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, चीनी आटा दाल घी पेट्रोल बिजली के बिल, आदमी मर जाए। जो बिल इंसानों को मिल रहे हैं, मैं कहता हूँ जी शेर कितना बड़ा जंगल का बादशाह है, चार बिल उसको दे दो बिजली के भाग जाएगा, कसम खुदा की शेर होगा और कुत्ते की तरह जो है ना वालों की गाड़ियों के पीछे फिर रहा होगा, भाई बिल शेर कुत्ता हो जाए क्योंकि हम ऐसी महंगाई। अच्छा देखिए, पूरी दुनिया के अंदर एक अजीब बात है, पूरी दुनिया में आप गई हैं, कितने मिनिस्टर की हैसियत से भी गई होंगी, पर्सनल भी गई होंगी, आपने देखा होगा यूरोप कंट्री में जाएं, अमेरिका में देख लें, इंग्लैंड में चले जाएं और जर्मनी जी, जब ये न्यू ईयर आता है तो इस न्यू ईयर को वो चाहते हैं सब सेलिब्रेट करें, और उसके लिए वो क्या करते हैं कि प्राइसेस जो है ना वो कम करते हैं, बहुत ज़्यादा लो प्राइसेस पर जाते हैं कि सब खुशियाँ मनाएं। हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कलमा गो हैं, खुदा को मानने रसूल कुरान के मानने वाले लोग हैं, हम रमज़ान का चांद देखते ही सोच लेते हैं आज ही लूट लेना जितना लेना, हम रमज़ान आते ही कीमतें बढ़ा देते हैं। आप मुझे बताएं, कोई आदमी अफतारी नहीं सही कर सकता, कोई अपने बच्चों को ईद के कपड़े नहीं दिला सकता, मतलब ये जिम्मेदारियां कौन पूरी करे?
देखिए ना, अब अगर ये साबित भी हो गया है कि चीनी लोगों ने छुपाई हुई थी, ठीक है, शुगर मिल्स एसोसिएशन वाले जो हैं वो अदालतों का कहना भी नहीं मान रहे, तो फिर इस पे हुकूमत ने अभी तक क्या एक्शन लिया? क्या कुछ भी? इस पे अवाम को आवाज उठानी चाहिए, और अगर मैं कहती हूँ कुछ नहीं कर सकती अवाम, तो इतना करे कि कहे कि हम आज से चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे, छोड़ दे चीनी। मैं तो डरता फिर रहा हूँ, मैं आपको पता, मैं डरता फिर रहा हूँ, मैं अगर मुझे ना पकड़ ले, क्योंकि मुझे शुगर है और मुझे टेस्ट करें पता चले 450 है, तो वो समझिए ये तो आप इतनी शुगर लेके तो आप फिर रहे नहीं, मगर मुझे ये बताएं मैं शरीफ साहब, कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम वैसे एक कौम के फैसला करें? बिल्कुल हो सकता कि हम ये चीनी क्यों, अगर हिंदुस्तान में गांधी साहब ये तहरीक चला सकते थे तो पाकिस्तान में ये तहरीक क्यों नहीं चल सकती? लेकिन देखिए चल सकती है, लेकिन गांधी साहब का फिगर भी देख रहे हैं क्या रह गया था आखिर में उनमें चीनी नहीं थी बिल्कुल ही, उन्होंने चीनी छोड़ी, खाना पीना छोड़ा, कम किया, एहतियात करी, उन्होंने जाके समंदर में से निकाला, चरखे से उन्होंने वो कपड़ा बुना। मगर मैं ये समझती हूँ कि वो ऐसी लीडरशिप आज कहाँ है, आज उस लीडरशिप को सामने लाना है। कायदे आजम को देख ले आप, उन्होंने भी अपनी जिंदगी को जो है ना बहुत ही, मैं समझता हूँ कि हमें इस वक्त वाकई में एक सही लीडरशिप की जरूरत है, बल्कि हमें जरूरत उनकी है कि जो लोग हमें लाते हैं हमें उन्हें सुकून देना। देखिए जिनके जरिए हम सुकून लेते हैं, झंडे वाली गाड़ियां, सल्यूट और प्रोटोकॉल, और जैसे ही बंदा उनमें से निकल के बड़ा आदमी बनता है फिर वो उनसे इतना तेज भागता है, दूर भागता है, ये गम हो जाता है पब्लिक को। झंडे वाली गाड़ी पे सब्जी खरीद रहे होते हैं जी, बेगम ब्यूटी पार्लर गई होती है, गाड़ी में झंडा लगा हुआ होता है, बताए तो अब अगर झंडे की तो ये औकात रह गई है। अब वो झंडा जो है वो तो इतने काबिले एहतराम चीज है हमारे लिए, पाकिस्तान का झंडा, पाकिस्तान का झंडा हो, देखिए ना उसकी एक अपनी शान है, उसकी अपनी शौकत है। लेकिन मैं समझती हूँ अगर कायदे आजम जैसे लीडर्स आज अगर नहीं है तो उसमें हमारा कसूर है कि हम ऐसे गलत लोगों को वोट दे के आगे लाते हैं जो सही मानों में लीडर बनने के मुस्तहिक नहीं होते। मैंने अभी एक ड्रामा में एक बात की थी, उसमें मैंने यही पार्ट किया था, एक पॉलिटिशियन का कैरेक्टर किया था जो बाद में बहुत बड़ा मुल्क का हुक्मरान बन जाता है, उसकी एंडिंग ये थी कि वो आवाम खिताब करता और कहता है कि मुल्क में करप्शन है, अगर मुल्क के अंदर डाके पड़ रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, अगवा हो रहे हैं लोग, और महंगाई है, और कोई चीज़ खाने को नहीं मिल रही, तो इसमें कसूरवार कोई हुकूमत नहीं है, कोई बंदा नहीं है, कोई नहीं है, कसूरवार आप हैं, क्योंकि आप जब एक जूता खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत पर दुकानदार से आधे घंटे बहस करते हैं, लेकिन जब मुल्क के लिए एक आदमी चुनते हैं तो उसके माजी के बारे में आप 5 मिनट नहीं सोचते। बिल्कुल सही, ये इसलिए कसूरवार हो। बहुत आपने बड़ी बात की, मैं आपसे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। आप मुत्तफिक हो गई, इसका मतलब आपका मेरा झगड़ा खत्म हो गया काफी हद तक। हाँ, काफी हद तक हमारा झगड़ा खत्म हो चुका है। इस झगड़े के खत्म होने की खुशी में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा झगड़ा शुरू करते हैं। वेलकम बैक, वापस आ गए हम फिर एक बार आपके सामने, और गुफ्तगू का आप एंजॉय कर रहे हैं कि हम गुफ्तगू ये कर रहे हैं, सिचुएशन सिर्फ और सिर्फ औरत मर्द नहीं, या बिजली नहीं, पानी नहीं, घी नहीं, चीनी नहीं, आटा नहीं, बल्कि सिचुएशन यहाँ भी ख़राब है कि हमारे सिलेक्शन मुख्तलिफ महकमों में ऐसे हुए हैं, मुख्तलिफ फील्ड में ऐसे हो गए हैं कि जहाँ पर हम बड़े वीक हो गए, बड़े कमज़ोर हो गए। इसमें एक पोर्शन हमारे स्पोर्ट के ऊपर हम जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि क्रिकेट जो है वो एक अजीब सी कन्फ्यूजन का शिकार हो गई, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है, कुछ ऐसी साजिशें हुई, हम वर्ल्ड कप की मेज़बानी से महरूम हो गए, श्रीलंका की टीम आई उसके साथ एक इंसिडेंट हुआ, इस तरह करते करते आखिरकार हम बहुत ज़्यादा जो है ना एक ख़राब सी पोजीशन पर आ गए। मुझे वो लोग याद आते हैं जो इस मुकाम तक पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर आए थे, वो लोग क्यों नहीं अब हमारे साथ हैं, उन्हें होना चाहिए, उनकी ज़रूरत है, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, जिनके रिकॉर्ड आज तक कोई तोड़ नहीं सका, हमारे ही मुल्क के लोग हैं, हम ही में से हैं, हमारी कौम के बाशिंदे हैं, हम फख्र करते हैं उन पर जिन्होंने 1 रन दिया और 9 विकेट ले ली, आज तक कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ। ऐसे लोग अब कहाँ हैं, क्यों नहीं है हमारी टीम में, हमारी टीम की सरपरस्ती ऐसे लोग क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल है, और इसका जवाब एक नाम है जिसे मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम, बल्कि मैं समझूंगा क्रिकेट की दुनिया का सुपरस्टार,
आज हमारे मेहमान हैं, काबिल फ़ख्र ये लम्हा मेरे लिए कि मैं उन्हें कॉल कर रहा हूँ यहाँ आने के लिए। आपकी भरपूर तालियों में इंतहाई मोहतरम जनाब सरफराज नवाज। सर वेलकम। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। इतनी बड़ी शख्सियत है, आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये मेरे लिए, मेरे शो के लिए बड़े फ़ख्र की बात है आप तशरीफ़ लाएँ। पूरी दुनिया में अपने आप को आपने मनवाया है और आप दोनों ने अपने अपने फील्ड में झंडे गाड़े हुए हैं और आपने जो काम किया है वो तो मैं समझता हूँ दुनिया में बहुत कम लोगों के नसीब में आया है। अगर हमारा नाम है, मोहतरमा का नाम है, तो आप किसी से कम है? सर आप माशाल्लाह इतना बड़ा नाम है, इतना इस वक्त क्रिकेट के ऊपर क्राइसिस में है हमारी पूरी टीम, ऐसा क्यों नहीं होता कि आपके ऊपर क्यों नहीं आपके शोल्डर्स के ऊपर कोई रिस्पांसिबिलिटी दे दे, ऐसी क्यों बात? देखें जी, इस मुल्क में जो सच बोलेगा उसका नुकसान ही नुकसान है। जो इसलाह करने की कोशिश करेगा लोग उसको नफरत करेंगे क्योंकि उनको नुकसान हो रहा है। और मैं आप देखें हमेशा इसलाह की बात करता हूँ, अगर जुआ था उसको ख़त्म करने की कोशिश की और साबित किया। आपने ओपन भी आपने किया था कि जी जुआ होता है। बिल्कुल। और मलक के उम्र रिटायर्ड जो जस्टिस थे उन्होंने 10 प्लेयरों को फाइन किया। जी हाँ जी। वसीम अकरम को कैप्टनसी से हटाया और कुछ प्लेयरों को बैन किया। अब मौजूदा बोर्ड भी, इससे पहले भी बोर्ड हैं, उन्हीं जुआरियों को साथ रखते हैं। अब आप ये बताएं कि हुकूमत नहीं देख रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे क्रिकेट में अब जैसे मोहतरमा हमारे सामने तशरीफ़ फरमाए, ख़वातीन इस गेम को बहुत देखती हैं, मर्दाना गेम है, बड़ी दूर से भाग के आना पड़ता है और इस तरह का शोर होता है। जब आप स्पीड लेते थे अपने बॉलिंग के तो मैंने देखा है कि ख़वातीन सीटियाँ डोलक थाप बजा रही, मर्दाना खेल के पसंद करने वाली तमाम ख़वातीन थी। हॉकी वालों को बेचारों को ये सादत नसीब नहीं होती। नहीं नहीं ऐसा नहीं, उन्हें तो कपड़े भी पूरे नहीं मिलते, नेकर मिलता बेचारों को। पहले तो उनकी टांगे और उन टांगों पे फुंसियों के निशान देख के औरतों के दिल से उतर जाते हैं। ये जो एक चीज़ है ये एक तजाद नहीं है हमारी ख़वातीन का कि वो भी तो आखिर प्लेयर हैं, उनको क्यों नहीं ऐसा होता? अब जैसे इस वक्त जो है वो जो शाहिद अफरीदी साहब हैं वो इस वक्त जब आते हैं ग्राउंड में तो ये लड़कियाँ, उनका बस नहीं चलता कि ये विकटें लेके भाग जाएं, वो गेंद ही ना करा सके। मतलब ये भी माने कि ये ख़वातीन ही इन लोगों को इतना ऊपर लेकर के जाती हैं, लेकिन जब ये जुए की बात सरफराज भाई ने की, ख़वातीन भी खेलने लगी थी क्रिकेट पे जुआ, पता है आपको? वाकई? यकीन करें मेरे मोहल्ले में, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, हमारे मोहल्ले में एक खातून बाकायदा बुकी थी, पैसे लेती थी, वो मैच खिलाती थी, लगाती थी पैसे। तो यानी कि क्रिकेटर्स ने एक तो ये भी एक इल्ज़ाम इनका बिल्कुल सच है कि कौम को जुए पे लगा दिया। लगा दिया ना, लगा दिया। जब मैच हो बाजारों के अंदर रेडी फरोश जो है वो जुआ लगा रहे होते हैं। अभी उसके अमरूद बिके नहीं है, 500 लगाए हुए उसमें। कितनी बुरी बात है। अच्छा आप जब जिस वक्त आप थे, आप थोड़ा सा मुझे अपने बारे में ये बताइए, आपने पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड कब बनाया, क्या था वो? देखें कई मैच होते हैं और एक यादगार मैच जैसे आपने उमर भाई का है, इट वॉज इन मेलबर्न 1979। अच्छा। मार्च का महीना था तो ऐसे लगता था कि पाकिस्तान इज अबाउट टू लूज। तो कुदरत की करनी, बस बुजुर्गों की दुआएं और जो पाकिस्तान में लोग हैं वो भी दिन रात दुआ करते हैं, अभी भी टीम खेले जो भी करे, कि हमारी टीम जीते। तो खुदा की करनी थी कि लंच टी के बाद मैंने मुश्ताक मोहम्मद को कहा कि मुझे बॉलिंग दो, मैं कोशिश करता हूँ कि मैच को ड्रॉ की तरफ ले जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे गेंद दिया, एक दो ओवर किए, एक हमें ब्रेक थ्रू मिला और उसके बाद फिर देखते देखते 7 विकेटें मैंने ली एक स्कोर देकर, और उस इनिंग में 9 विकेटें थी। वन रन 7 विकेट, क्या बात, क्या बात है सर, क्या बात। फ्लूट सर, अब ये जज्बे के साथ हम क्यों नहीं खेल रहे हैं? हम रकमों के साथ खेल रहे हैं, जज्बात के साथ खेल रहे हैं। वो जो औरतें बेचारियाँ जैसे ही मैच शुरू होता है सारी ख़वातीन शुरू होती है, अल्लाह जितवा दे, अल्लाह जितवा दे।
अच्छा बस कर दे, सिर्फ औरतें नहीं देखती मर्द भी देखते। नहीं नहीं मगर मर्द ये तो नहीं करते ना, औरतें तो नमाजों में बैठे भी दुआएं कर रहे थे अल्लाह एक छक्का दे दे, अल्लाह छक्का दे दे। वो मैच में तो अल्लाह छक्का दे नहीं रहा, घर में दे दिया छक्का। तो मर्द नमाजें पढ़ते नहीं, मर्द नमाजें पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है। नहीं क्यों नहीं पढ़ते हैं? ज्यादातर आपने अपनी बीवियों को, अपनी बहनों को और माओ को मसले पे बिठाया होता है और खुद दुनिया भर में आवारागर्दी करते फिरते। अच्छा उन्होंने हमें दुकानों पे बिठाया हुआ है। कोई बेचारा कपड़े की दुकान पे बैठा हुआ है, कोई चावल की दुकान पे बैठा है, कोई आजकल चीनी की दुकान पे बैठा हुआ है। और अगर हमारे कुछ प्लेयरों ने बेचारों ने जुआ भी खेला और कुछ गेम बनाया, वो भी किसी न किसी खातून का हाथ होगा उसके पीछे। दुआएं हमारी, जो आदमी बेचारा मेहनत करता है, मुशक्कत करता है, कुछ भी करता है, उसके पीछे होती औरत है, ये मान लें आप। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आगे हम वापस और हमारे साथ तशरीफ फरमाए सरफराज नवाज साहब और मोहतरमा नीलोफर बख्तियार। आदमी पैसा कमा के कहाँ लेके जाता है मुझे बताएं, कहाँ ले जाता है? उससे पैसा कौन, डाकू थोड़ी छीनते, चोर थोड़ी छीनते, औरतें बताती हैं यहाँ कहाँ है, क्या हुआ, बाकी पैसे कहाँ गए? बकायदा तलाशी लेती हैं शाम को। दे दो लो एक और तलाशी। अच्छा हैंड्स अप करके भाई, बिल्कुल आदमी सोया उसकी जेब से देखा क्या ले गया। ये पता नहीं किस वक्त की आप लोग बातें कर रहे हैं। अरे ये इसी वक्त की बात है, कल रात 9 बजे की बात बता रहा हूँ मैं। आज के जमाने में ऐसा नहीं होता है। आज के जमाने में क्या हो, आज के जमाने में तो मैंने देखे कि निकट्टू मर्द घर बैठे होते हैं और औरतें दफ्तरों की खाक छान रही है। और फिर जो काम करने वाली औरतें वो बच्चों को भी टाइम देती हैं, वो ससुराल को भी लुक आफ्टर करती हैं, वो घर भी आके देखती हैं, मर्द अखबार पढ़ता रहता है और टीवी देखता रहता है। आपका ख्याल है मर्द बस अखबार पढ़ रहा है और टीवी देख रहा है? दोनों नौकरी करके आएंगे, वो किचन में घुसेगी, बर्तन भी धोएगी, बच्चे का होमवर्क भी खत्म कराएगी, वो बैठा हुआ है, जूते भी वही उठाएगी आके। होता है कि नहीं होता? अब आप है ना बहुत ज्यादा वो कर रही है, क्योंकि आप ये सामने में बैठे। यार एक बात बताइए, आपने इतना दुनिया घूमी, इतने आपने कोई जुल्म ऐसे देखे कहीं? भाजी अब औरत आपको क्या कहे, हार मान ली, इनके साथ सिर्फ हमदर्दी और हमदर्दी करनी चाहिए, बाकी अपना काम चलाते रहे। आपका एक बड़ा ग्लैमरस एक एक क्रिकेटर होता है जो अपने उरूज पे होता है, जाहिर है उसकी लाइकिंग होती है उसको, और हमेशा लाइकिंग जिससे हिट हुआ हर दौर में आदमी औरत की ही तारीफ से हिट होते हैं, मर्द जितने भी हिट हुए, इवन देन रंगीला साहब मरूम अल्लाह उनको करी के रहमत करे, वो भी खवातीन की पसंद से हीरो बने, हीरो भी खवातीन की पसंद से बनते हैं। ठीक बात, वो हकीकत मैं बता रहा हूँ, हर फील्ड का हीरो जो होता है वो खवातीन का चूज किया हुआ होता है, वो चूज करती हैं, मर्द नहीं करते, मर्द तो मर्द को कभी हिट करा ही नहीं सकता। तो मर्द हीरोइन चूज करती है ना जी, चला हीरोइन चूज करते हैं, ये तो आपने सरफराज भाई के ऊपर एक तंत्र कर दिया। हीरोइन चूज करते, उन्होंने एक शादी की थी अपने वक्त के सुपरस्टार से, आपकी शादी हुई थी सर जी जी। तो आप क्या समझते हैं कि शोबिस की जो खवातीन है या जो भी खवातीन है, चलो शोबिस की ना हो खवातीन हो, वो क्या इस तरह की मतलब ये मैंने ये कुर्बानियाँ इतनी और ये तो नहीं होता मेरा ख्याल। आई थिंक देखो जी वो तो एक पाकिस्तान में थी हीरोइन, तो मेरा नाम तो अल्लाह की मेहरबानी से आपने अभी कहा पूरी दुनिया में था। सही बात, ये तो दोनों की खुशकिस्मती कह लें कि दो ग्लैमर वर्ल्ड के किसी मैच में मुलाकात हुई थी आपकी? मेरी मुलाकात हुई थी बाबरा शरीफ के घर। बाबरा शरीफ के घर इस किस्म की मुलाकात क्यों हो जाती है? ये नहीं समझ, मेरी भी एक मुलाकात बाबरा की यहाँ हुई थी किसी से और फिर मेरी भी शादी हो गई थी। लो देख रहा हूँ फिर ये बाबरा के घर में कोई बरकत है मुझे लग रहा है। फैन थी आपकी गेम आपके नहीं, गेम उसको क्रिकेट की नहीं समझती। उसने मुझे याद है कि पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज, मुझे कहा जी कि आप अगर 50 रन बनाएंगे तो आपकी दावत होगी खाने की। मैं सोचा कि ये विकटों की बात करे, रन मैंने कहाँ से कर दिया।
और कुदरत की उनको ये नहीं पता कि आप बॉलर हैं कि क्या है। तो 50 रन हो गए उस मैच में आपसे। हाँ हाँ देखो वो भी उन्हीं की वजह से हुए बाजी और ना आप या ये बात है। मैंने कहा ना कि ये इन्होंने रन बना लिए 50, ये बॉलर हैं और 50 रन बना लिए। ये एक हौसला अफजाई ऐसी कर देती है कि इंसान के अंदर एक आ जाता है जज्बा के यार मुझे अपनी इज्जत बनानी है। बात कह दी एक औरत ने तो उन्होंने 50 रन बना लिए। अब जाहिर आपने बनाए तो आपने बताया भी होगा मैंने बना लिए। बना वो मैच देखने आई हुई थी। आई हुई थी बाबरा रानी और दूसरे लोग वो मैच देखने वगैरह आई थी, फाखरा वगैरह ये सारे। जब 50 रन हो गए तो आपने याद दिलाया या उनको याद था? बाजी मैं तो अंदर फील्ड में था, मुझे नहीं पता। बाहर ये जरूर देखा उन्होंने कि बोर्ड के ऊपर 50 रन लग गए बस। उसके बाद फिर बकायदा खाना हुआ, सारे लोग आए ये वो, और बड़ी ज़बरदस्त खाना हुआ। उसके बाद फिर उसने मुझे बताया कि शी इज़ सफरिंग फ्रॉम कैंसर और इंग्लैंड इलाज करा रही है, ये हो रहा है। तो मैं चूँकि इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल रहा था तो आई हेल्प हर ए लॉट, और बाकी जो अल्लाह ताला ने लिखी हो और उस वक्त यही होता है। सफरा भाई मेरा जो आपसे सवाल था वो ये था कि आखिर ये क्रिकेट में खराबियों की क्या वजूहात है, ये सवाल था हमारा। आप भी पसंद करती रही हैं किसी क्रिकेटरों को, उनको अप्रिशिएट करती रही हैं पसंद इन नॉट इन दैट सेंस? मेरे जी बस स्पोर्ट्स से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं रहा। तो कभी आपने गेम देखी नहीं क्रिकेट? बस शौकिया कभी देख लेती हूँ। हाँ खवातीन खेल रही हूँ क्रिकेट तो मैं ज़रूर बैठ जाती हूँ क्योंकि उसमें मेरा इंटरेस्ट। खवातीन तो गेंद क्यों फेंक रही हूँ? ये कोई मतलब गेम की तौहीन है ऐसे गेंद फेंकना? ऐसे नहीं फेंकती, कभी मैदान में आके देखें। अरे बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलती है हमारी बच्चियाँ, आपने देखा नहीं उनको? अच्छा हॉकी इतना अच्छा खेलती हैं, फुटबॉल इतना अच्छा खेलती हैं, मैंने दिलों से जो खेलती हैं ना ये बड़ी बुरी बात है। लेकिन दिलों पे हुकूमत भी करती है ना? हाँ नहीं दिलों पे हुकूमत करती हैं, दिलों से खेल भी जाती हैं। ये उनकी किस्मत में लिखा है कि वो दिलों पे हुकूमत करें और फैसले करवाएं। तो जो आप लोग उनको करने की इजाजत देते हैं अपने बारे में भी तो सोचा करें ना। हाँ हाँ ये बात तो है कि क्यों इतने आपके दिल कमजोर हैं कि एक खातून को देखते ही बस खत्म? जरा मजबूती पैदा करें। सारी बातें इनके ऊपर तंज कर रही हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं तो आपने बोला आप अपने आप को देखे, आप एक खातून को देखा और बस खत्म, ये तो उन्हीं का सारा वाक्य लग रहा है। मैं आप मुझे इनसे बिल्कुल नहीं लड़वा सकते। लड़वा नहीं रहा हूं मैं। आपने अभी कहा, उससे पहले भी आपने इनकी बात करी, उससे पहले भी आपने कहा, दो दफा आप इनके ऊपर हमला कर चुके। ऐसे बहुत सारे टीवी टॉक शोज हैं जिस पे होस्ट जो है वो मेहमानों को लड़वाता है, आप ऐसे नहीं है। बिल्कुल ना बने। एंजॉय कराने के लिए हम बैठा हूं। हम तो हंसी हंसी में सारी बातें करना चाहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि हंसी भी रहे और कारोबार भी रहे। और कारोबार है हमारा, कारोबार क्या है कि हमें बीच में एक ब्रेक लेनी है और उस ब्रेक में हमने स्पॉन्सर देने हैं ताकि वो पैसे कमाएं, वो कमाएंगे तो हमें देंगे, हमें देंगे तो चैनल चलेगा, चैनल चलेगा तो सारी रौनक लगेगी। तो उसके खातिर मजबूरन लेते हैं पेट के खातिर एक ब्रेक, वापस आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आ गए हम वापस और हमारे साथ तशरीफ फरमाए सरफराज नवाज साहब और मोहतरमा नीलोफर बख्तियार। फिल्म इंडस्ट्री का भी एक बड़ा साथ रहा है क्रिकेट के साथ शोबिस का, जिसमें सबसे पहले तो जो शर्मिला टैगोर जो हैं उनकी आसिफ नवाब आसिफ पटौड़ी साहब से क्या शादी हुई, नवाब पटौड़ी से शादी हुई उनकी। जो इस तरीके से शर्मिला टैगोर जो हैं वो करीना कपूर की सास हो गई वाया सैफ अली खान। आप सोचें जरा, सोचें किस तरह करीना कपूर की सास बन गई नवाब पटौड़ी की बीवी, उनकी शादी हुई शर्मिला टैगोर से और फिर वो वाया सैफ अली खान करीना कपूर की सास है, मौजूदा सूरत हाल ये है। इसके बाद अजहरुद्दीन संगीता बजलानी से उनकी शादी हुई फिल्म इंडस्ट्री में और वाया सुभाष गई उनकी दरियाफ्त थी वो और वो आए। उसके बाद मोहसिन हसन खान रीना राय वाया शत्रुघ्न सिन्हा, शत्रु भाई भी बीच में जो है ना वो एक करेक्टर थे। उसके बाद आपकी शादी हुई रानी साहिबा से, अब उसको कहना पड़ेगा वाया बाबरा शरीफ। बिल्कुल आना जी। अच्छा ये ताल्लुक तो चलता रहा,
आप कहते हैं कि करप्शन है क्रिकेट में आ गया है, इस करप्शन के जिम्मेदार कौन लोग हैं, और ये बात जब हमारी बर्दाश्त से बाहर हो रही है, हम उसका जवाल देख रहे हैं, तो इसे कौन ठीक करेगा, कौन करेगा सरफराज भाई इसको? देखें, जब मुशर्रफ आया, इससे पहले भी फौजी हुक्मरान आए, उन्होंने ज़्यादातर फौजियों को ही लगाया स्पोर्ट्स के अंदर। अब फौजी फौजी के खिलाफ कैसे जाएगा? और वो कहते हैं ठीक है, सिफारिशें हैं, ये है, दोस्ती हैं, ये तबाही है। और अब आप देखें कि मुशर्रफ ने शहरयार को लगा दिया, उसको क्या था क्रिकेट से? अंदर की बातें जो है ना, वो किसी वक्त बाहर आएंगी जलसों जुलूसों में, मैं लाऊंगा कि किस बुनियाद पे शहरयार लगा। उसके बाद डॉक्टर नसीम अशरफ, वो ही वाज डिग्निफाइड सप्लायर टू मुशर्रफ। उसके बाद और कई चीज़ें ऐसी आईं। अब आप देखें, इंदिरा गांधी ने इंडिया में जब ऐसे पुअर परफॉर्मेंस हुई, उसने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशन को क्रिकेट के अलावा सस्पेंड कर दिया। कि पहले हिटलर ने भी पूरी टीम मरवा दी थी, वो तो क्रिकेट की वजह से हुई थी ना, वो तो उसने क्रिकेट देखी, तो जब वो जा रहा था जहाज में तो नीचे लोग खेल रहे थे, उसने कहा क्या हो रहा है? उन्होंने कहा सर गेम हो रहा है क्रिकेट। बोला ठीक है। जब वापस आया तो फिर 5 दिन का टेस्ट मैच हो रहा था, उसने कहा हो गया? बोला हो गया। 5 दिन खेला, रिजल्ट? बोले सर ड्रा हो गया। उन्होंने कहा टीम मार दो सारी। तो ये एक बेस्टिंग टाइम है। उसके बाद देखें, मौजूदा हॉकी का क्योस पड़ा हुआ है, क्रिकेट बोर्ड में ऐसे बूढ़े लोग आ गए हैं कि उनको समझ नहीं आ रही। अब हमारे बुजुर्ग कहते हैं बूढ़े की और बच्चे की अकल एक बराबर हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। अब देखें, जनरल रिटायर्ड आरिफ हसन जी, जी ओलंपियो ए का प्रेसिडेंट जी, उसने एक बड़ा फाशा सा बयान दिया कि हमारे ओलंपिक्स में स्वाय हॉकी के और कोई चांस नहीं। आई थिंक द ब्लडी मैन शुड बी सैक्ड बाई प्रेजिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, कि ये आपने मुल्क के और डिस्करेज किया। उसके बाद की रिंग एक निकली, पाकिस्तान स्पोर्ट्स ट्रस्ट है, वो सारे इतने पैसे वो कहाँ जा रहे हैं? अगर ये प्रमोट नहीं कर सकता और इंटरनेशनल खिलाड़ी अभी 3 साल अवे है ओलंपिक्स, तो अभी से ये कहना शुरू कर दिया? 3 साल इज अनफ टाइम कि आप बहुत टाइम है इंटरनेशनल प्लेयर इशू बना लें। आपका कहना है कि मिनिस्ट्रीज में भी एक करप्शन है, क्रिकेट एसोसिएशन में भी एक करप्शन है, आप कहते हैं कि सिलेक्शन में भी एक करप्शन है, ये सारी बातों का हल ये है कि इसे कोई मॉनिटर, इस तरीके से इसकी मॉनिटरिंग की जाए। आप क्या कहती हैं इस बारे में, ये कैसे ख़त्म हो सकता है? देखिए, इसमें जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं पार्लियामेंट की, वो भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकती हैं, और मेरा ख्याल है कि अवाम की नुमाइंदा होती हैं वो पार्लियामेंट्री कमेटीज़। तो नेशनल असम्बली की भी कमेटी है, सेनेट की भी है, उसमें ये आवाज़ उठाएं, इंशाल्लाह इनको हम पूरी सपोर्ट देंगे। आवाज़ ये कैसे उठाएंगे पार्लियामेंट में जाके? आवाज़ ये हमें रुजू करें, हमारी कमेटी से राबता करें। आपकी कमेटी, आप इनकी कमेटी से रुजू करें। देखें, ये स्पोर्ट्स की है, इसके की जो कमेटी है। इसके ऊपर भी मैं अर्ज कर दूँ मोहतरमा को कि आई वॉज एडवाइजर ट्वाइस, फेडरल एडवाइजर ऑन स्पोर्ट्स, मैं सारी कमेटियाँ ये अटेंड करता रहा हूँ। दिस इज ए ओनली रिकमेंडेटरी बॉडी, इनकी कोई पावर नहीं है। ये बार रिकमेंड करके अगर वजीर आजम हॉकी के इंचार्ज हैं उसको लिख देंगे, सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब हैं उनको लिख देंगे। और आप देखें, पिछले दिनों में लोगों ने रिफ्यूज़ किया कि ये क्या कमेटियाँ, हम पेश नहीं होते। तो ये आप देखें कमेटियों की क्या बात है। और ये कहते हैं जी कमेटी का तो कोई फ़ायदा नहीं है, कि कमेटी का क्या फ़ायदा है, उस पर होता तो कुछ है नहीं। मेरा ये ख्याल है जी कि इसके चेयरपर्सन और मेंबरान के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो अपने आप को मनवा सकती हैं कि नहीं मनवा सकती। उनकी बात कितनी है, उनकी कितनी बात है। और दूसरी बात ये कि आज मीडिया इतना बड़ा एक सबसे बड़ा सपोर्टर है, बिल्कुल, तो ये अगर ऐसे इश्यूज हैं तो इनको मीडिया पे ले जाएं, मीडिया पे लाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क की इज्जत की बात है। क्योंकि हमारा जो खिलाड़ी है वो खिलाड़ी नहीं है, वो प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान है। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो कहीं पे जाकर के शर्मिंदा होता है तो हम पूरा मुल्क के लिए बड़ी वो लो मोरल हो जाता है। पर इस वक्त हाँ, क्या ये आपने जो पूछा है ना, एक्सक्यूज मी, कि कैसे ठीक होगा? हाँ, ये सिर्फ ठीक हो सकता है गुड गवर्नेंस रेवोल्यूशन, जो अल्ताफ भाई बात करते हैं ना कि वडेराइज्म ख़त्म हो, मेहनत का शागे आए, मुतवस्त तबके के लोगों को ऊपर लाए, दे विल बी करोड़ हाफ गुना बेहतर होंगे मौजूदा फूडर लॉर्ड्स और करप्ट लोगों से। तो ये अगर रेवोल्यूशन मुल्क में आ जाए
तो मैं कहता हूँ हमारा मुल्क कहाँ से कहाँ चला जाए। आपने एक एनजीओ बनाई बर्दाश्त, उसका नाम रखा आपने बर्दाश्त, क्यों रखा आपने नाम बर्दाश्त? का तो मतलब होता है जैसे पता नहीं कोई एक घुटन है आपके अंदर कोई एक ऐसी बात है जो आपको ये कहलवा रही है कि जी बर्दाश्त से बाहर है अब ये बात। ऐसा कुछ है जो बातें अभी ये कर रहे थे आपके सामने और जो बातें पहले हम डिस्कस कर रहे थे, उस सब का नतीजा अगर आप ये देखें तो एक ही नज़र आता है कि हमारी कौम में बहसियत इंसान के टॉलरेंस नहीं है। हम दूसरे मज़ाहिब का एहतराम नहीं कर सकते, हम दूसरी जिंस का एहतराम नहीं कर सकते, मतलब औरत, अमीर गरीब का, आप जिस शोबे में चले जाएंगे सीनियर जूनियर कहीं पर भी आप देखेंगे, हम कहते हैं कि बस हम ही हैं जो हैं, दूसरा गलत है। अगर किसी के पास बड़ी गाड़ी है तो उसके पास बड़ी गाड़ी है वो भी गलत है, अगर जो फुटपाथ पर चल रहा है उसको भी चलने की इजाज़त ना हो। इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए हमें एक दूसरे को जगह दें दिलों में, उसको प्लेस करें, उसको स्पेस दें ताकि वो भी एडजस्ट हो सके हमारे माशरे में सोसाइटी में। आप उस बर्दाश्त की बात कर रही हैं, गाड़ियों को जब चलाएं उसमें भी एक बर्दाश्त हो कि बुला वजह से ब्लॉकिंग ना करें, रास्ता दें एक दूसरे को, हर फील्ड में रास्ता दें, आप उस बर्दाश्त की बात कर रही हैं। जैसे ये बात कर रहे हैं कि क्रिकेट के अंदर जो टैलेंटेड लड़के हैं वो उनकी कोई एकेडमी हो, उस टैलेंट को लाया जाए नीचे से, और गरीब लड़के जो के बेचारे मेरे ख्याल उनके पास किट भी नहीं होगी पूरी खेलने की, उनको लाया जाए और उस छोटे 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 विलेजेस में ये लड़के होंगे। आप देखें ना जितने हमारे पास इस वक्त लड़के हैं खेल रहे हैं, ये कोई बड़े घरानों के बच्चे नहीं हैं, इनमें मैक्सिमम लड़के जो हैं वो बड़ी एफर्ट करके आए हैं आगे। और ये उमर भाई इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से इस्लामाबाद में एक एकेडमी फॉर्म कर ली है मैंने, और वहाँ फास्ट बॉलर इंशाल्लाह प्रोड्यूस करने हैं, और इट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट, थ्रू स्पॉन्सरशिप होगी, जो मर्जी है। बहुत उम्दा बात है, बहुत अच्छी फ्री एकेडमी सरफराज नवाज साहब बना रहे हैं, उसमें ये अपनी जो इनकी सलाहियत है आपसे ढकी छुपी नहीं है, ये उन लड़कों के लिए बन रही है एकेडमी, उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टैंड नहीं है, जिनके पास टेक ऑफ करने के लिए रनवे नहीं है, वो तैयार है, जिनके पास पावर है उड़ने की लेकिन रनवे नहीं है, आप वो रनवे उन्हें फराम करेंगे। आप तो फराम कर ही रही हैं ख़वातीन को, उनकी मजलूमियत के बदले तमाम चीज़ें, उनके केसेस, उनके पे होने वाले जुल्म, आप माशाल्लाह अपनी जगह के ऊपर बहुत सही काम कर रही हैं। आप अगर एहतजाज भी करते रहते हैं किसी करप्शन और झूठ के खिलाफ, वो भी एक बहुत बड़ा जिहाद है जो आप कर रहे हैं। आपने खुलकर बात करी, आपने बहुत सारी बातों की निशानदेही करी, मैं इस पर आपकी जुर्रत पर, आपके सच बोलने पर अपने शो में आपको अप्रिशिएट कर रहा हूं। थैंक यू भाई। आखिर में मैं एक और भी बात करनी चाहता हूं पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए। जी जी, इस वक्त देखें करप्शन की बातें हो रही हैं, लोग पैसे लूट गए, कोई कह रहा है जी कि पिछली बातें भूल जाए, मैं कहता हूँ कि पिछली बातें क्यों भूलें, सिर्फ एक सूरत में भूलें कि तमाम पार्टियाँ इकट्ठे हो के गवर्नमेंट को चलाएं और 20 साल का पैक्ट करें कि हमने मुल्क को पहले बनाना है, लड़ाइयाँ छोड़नी है, अगर ये नहीं कर सकते तो जो करप्ट हैं उनको पकड़ के जेलों में डालें और उनसे पैसा लें, जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और स्विट्ज़रलैंड इधर उधर पैसे हैं वो वापस मंगाएं, या फिर 20 साल का पैक्ट करें और एक टेबल से हुकूमत चलाएं। वेरी गुड, वेरी गुड। हजरात, आपने देखा कि आखिर का रिजल्ट क्या है, पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, कोई एनजीओ कर रहे हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई सनतकार हो, कोई इंडस्ट्रियल हो, चाहे कोई फिल्म स्टार हो, शोबिस के लोग हो, सियासतदान इस मुल्क में अपना पार्ट सही प्ले करें, हम अपना पार्ट सही प्ले करें, हर आदमी अपनी जॉब को ऑनेस्टली करे और ये समझ के करे। और एक बहुत अच्छी बात कि 20 साल के लिए सियासतदान ये सोच ले कि हमने मुल्क बनाना है, बना के आपस में लड़ने कोई बात नहीं, लड़ने के लिए मुल्क चाहिए, खुदा ना खास्ते अल्लाह ना करे अगर मुल्क नहीं हो तो आप लड़ेंगे कहाँ। तो चलो अपने लड़ने के लिए मुल्क को हम बचाएँ और इसको बनाएँ और इतना मजबूत बना लें कि ये हम खुद भी तोड़ना चाहें तो ये मुल्क ना टूटे। इन बातों के साथ मैं सरफराज नवाज साहब आपका, नीलोफर बख्तियार साहब आपका बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ कि आपने इस शो में तशरीफ लाकर मेरी मुझे इज्जत बख्शी, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।